So hey, welcome to the channel Study Verse. We are going to do chapter 7, Diversity in Living Organisms. So it is a very basic chapter and I have already marked NCRT. So now we will look it in a detail. So in this first paragraph, it is just talking about the similarities and dissimilarity. So in this first paragraph, it is just talking about the similarities and dissimilarities which the living organisms share among themselves. So an example is given there that you and your friend are very different in your height. Your hand span is very different. So it is basically talking about the dissimilarities which you and your friend share. Then it is saying that, but if we take in consideration a monkey, then you and your friend are much alike as compared to monkey. Agar hum log ek dusre ke beech mein hum log similarities dhoond rahe hain, to hum log kafi zyada alag hain as a person. But as a human being, hum log ek hi category mein aate hain. Human beings ki category mein aate hain. अगर हम लोग अपने आप को मंकी से कंपेयर करें तो हम लोग एज अ ह्यूमन बींग हम लोग में ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, बिकॉज मंकी जो है वो एनिमल के कैटेगरी में आ जाता है और हम लोग जो है वो ह्यूमन बींग्स के कैटेगरी में आ जाएंगे. फिर उसमें बोला है कि इफ़ वी टेक इन कंसिडरेशन अ काऊ, अगर अब हम लोग काऊ से कंपेयर करें तो जो है मंकी के साथ हम लोग ज़्यादा सिमिलैरिटी शेयर करेंगे देन एज कंपेयर टू काऊ. तो इसीलिए यहाँ पे बेसिकली सिर्फ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी का एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. देन देयर इज अ एक्टिविटी 7.1 विच सेज दैट हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू स्पीशीज ऑफ काउ, दैट इज द जर्सी काउ एंड द देसी काउ. सो व्हाट विल बी योर बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, किस बेसिस पे तुम एक काउ को देसी काउ के ग्रुप में डालोगे और किस बेसिस पे तुम एक काऊ को जर्सी काऊ के ग्रुप में डाल सकते हो. तो तुम्हारा बेसिस क्या था, तुम्हारा मेन पॉइंट क्या था आइडेंटिफिकेशन का, वो बताना है. तो सिंपल है, हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये काऊ जो है वो देसी काऊ के ग्रुप में आएगी और ये काऊ जो है वो जर्सी काऊ के ग्रुप में आएगी. तो बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक. किसी का कैरेक्टरिस्टिक देख के ही हम उसको उस ग्रुप में डाल सकते हैं जिस ग्रुप के साथ वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा. ठीक है, तो सो द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स. विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वी विल बी एबल टू पुट अ पर्टिकुलर काउ इन ईदर देसी काउ और जर्सी काउ ग्रुप. तो यहां पे हम लोग को बस यही बताया है कि हमारा बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने के लिए, एक ग्रुप में डालने के लिए हमारा बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और जो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा. तो अब इस नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला है हम लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे हम लोग को मेन चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो उसके एग्जाम्पल यहीं पर दिए हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं और सिमिलैरिटी भी शो करते हैं और डिसिमिलैरिटी भी शो करते हैं. तो एक बहुत बड़ा रेंज है ऑर्गेनिजम्स का, यहाँ पे वो बताया है. जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो एक केस में हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है जो बहुत ही छोटा होता है, ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज. तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. अगर हम लोग वहीं दूसरी जगह हम लोग देखें तो ब्लू व्हेल, ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, बैक्टीरिया इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज. और अगर दूसरी जगह हम लोग देखें ब्लू व्हेल को, ब्लू व्हेल और रेडवुड ट्रीज जो है कैलिफोर्निया में, उनकी साइज जो है वो 30 meters से 100 meters तक है. मतलब कितना ज़्यादा डाइवर्स है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्यू माइक्रोमीटर्स इन साइज है और दूसरी जगह
30 मीटर से 100 मीटर्स तक है। तो ये यहाँ पे क्या चीज को कंपेयर कर रहा है, साइज को, यहाँ पे ये साइज को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, साइज जो है, साइज एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। बैक्टीरिया वाला ग्रुप जो है वो स्मॉलर साइज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले ग्रुप में जाएगा, वहीं ब्लू व्हेल और रेडवुड ट्रीज जो हैं वो बड़े साइज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में जाएगा। तो साइज जो है, साइज एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पाइन ट्रीज का। पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज डाई विद इन अ फ्यू डेज। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज विच डाई विद इन अ फ्यू डेज। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, यहाँ पे लाइफ स्पैन की बात हो रही है। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन जो है इस वाले में क्या है, लाइफ स्पैन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं। लाइफ स्पैन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पाइन ट्रीज जो है वो 1000 ईयर्स तक रहती हैं और इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो जो है वो सिर्फ फ्यू डेज में मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो लाइफ स्पैन यूज हो रहा है। देन उसने क्या बोला है, लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। अब यहाँ पे किस कैरेक्टर की बात हो रही है, किस कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, कलर कलर के कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे वर्म्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और वहीं अगर हम लोग दूसरी जगह देखें तो बर्ड्स और फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है वो डाइवर्सिटी बताई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग को डाइवर्सिटी बताई है। अब ये डाइवर्सिटी जो है वो एकदम से नहीं आ गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस हैज इवॉल्व्ड ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो ये डाइवर्सिटी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। फिर इस पैराग्राफ में उसने बोला है कि इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितना ज़्यादा डाइवर्स है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा दिन तक रह सकता है, किसी की लाइफ स्पैन कम है, किसी का कलर कलरलेस है, कोई कोई ट्रांसपेरेंट है, किसी कोई ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड है। तो इन सबको एक एक करके पढ़ने के जितना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो इसने क्या बोला है, वी कैन नॉट लुक एट देम वन बाय वन, हम लोग इन लोग को एक साथ नहीं देख सकते हैं। इस वजह से हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स में जो है सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को सिमिलैरिटी मिल गई तो हम लोग उस ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, सो वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स विच अलाउ अस टू पुट देम इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। तो अगर हम लोग को कुछ ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी मिल गई तो हम लोग उन लोग को एक ग्रुप में डाल देंगे, फिर उस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और उस ग्रुप के बारे में जो भी कुछ होगा वो उस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए सेम होगा। ठीक है, तो ये है इस वजह से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। फिर इस वाले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बड़े और छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं, तो किसी भी चीज़ को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे बांटेंगे, ये देख के कि उसमें मेटाबॉलिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म शो करता है कि नहीं, और उसमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सबसे एक ब्रॉड ग्रुप हो गया जिसके अंदर हम लोग और स्मॉलर ग्रुप्स को डालेंगे, स्मॉलर सब ग्रुप्स जो है हम लोग उसके अंदर डालेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे आ सकते हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब जो है स्मॉलर ग्रुप हैं। फिर उसके अंदर मैमल्स में हम लोग उन लोग को डालेंगे जिन लोग डायरेक्ट बर्ड देते हैं। बर्ड्स को हम लोग किसके अंदर डालेंगे, बर्ड्स को हम लोग ओवी पैरस के अंदर डालेंगे, जैसे कि एग लेइंग, ओवी पैरस मतलब एग लेइंग। तो ये स्मॉलर ग्रुप्स बनते जाएंगे।
तो इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ यही दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है। तो उसका हमने आंसर यहाँ पे देखा था, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में उसका आंसर है कि वी कैन नॉट स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन, सो वी क्लासिफाई और डिवाइड देम इनटू ग्रुप टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल, बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स इन अ ग्रुप विल शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा कि मैमल्स जो हैं, मैमल्स जो है वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, तो मैमल्स के अंदर हम लोग ह्यूमंस और लायन को डाल सकते हैं, तो ह्यूमंस और लायन जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे। कौन सा है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक? डायरेक्ट बर्थ का, मैमल्स के अंदर आ रहे हैं क्योंकि वो। फिर अगर हम लोग ओवीपैरस एनिमल्स देखें जो एग ले करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं? रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो हम लोग को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ रहा है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के लिए, हम लोग एक ये जान गए कैरेक्टरिस्टिक कि वो एग ले करते हैं, और उसको हम लोग ने ओवीपैरस एनिमल्स के ग्रुप में डाल दिया। तो ये है रीजन कि हम लोग एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला थ्री रेंज पूछा है उसने ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म अराउंड यू। तो पहला रेंज ऑफ वेरिएशन क्या है? रेंज ऑफ वेरिएशन इन साइज, साइज में। यहाँ पे हम लोग ने साइज में देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो छोटा है, और ब्लू व्हेल और रेडवुड ट्रीज जो है वो काफी बड़े होते हैं, तो ये है वेरिएशन इन साइज। सेकंड हमने क्या देखा था? लाइफ स्पैन। सेकंड हमने देखा था लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कैसे था? पाइन ट्रीज दैट लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड मॉस्किटोज विच डाई विद इन फ्यू डेज, तो ये वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। ठीक है, और तीसरा वेरिएशन हमने क्या देखा था? कलर, वेरिएशन इन कलर, दैट इज सम ऑर्गेनिजम्स आर कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट एंड सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड। तो इसने पूछा है तीन एग्जाम्पल्स दैट यू सी इन योर लाइफ। तो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल क्या है रेंज ऑफ वेरिएशन के? वेरिएशन इन कलर, वेरिएशन इन साइज एंड वेरिएशन इन लाइफ स्पैन। तो इसी के साथ हमारा क्लास नाइन्थ चैप्टर सेवन डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी का पहला पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी पेजेस हम लोग उसके लिए और वीडियोज आएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, and please subscribe to the channel StudyVerse. Thank you.